नमस्कार दोस्तों, 2022 में शुरू हुआ ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। चाहे वो यूजी लेवल पे हो, चाहे वो पीजी लेवल पे हो, इसे कंडक्ट करवाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे किसी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया, किसी बच्चे को दोबारा से री एग्जामिनेशन देना पड़ा यूजी लेवल पे, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ही था, और क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, पहली स्टार्टिंग में है अभी, इसीलिए प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं आगे भी। और ये एग्जाम दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाना शुरू किया गया था। पहले क्या होता था कि मेरिट बेस पे या और बहुत सारे क्राइटेरियाज पे एडमिशन मिलती थी। कहीं पे मार्किंग स्कीम बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, कहीं पे मार्किंग स्कीम बहुत लीनियंट होती थी, जिस रीजन के कारण बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे या और सारे बच्चे रह जाते थे। तो अभी एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है CUET के द्वारा। हम जानते हैं कि इसे दो लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, एक यूजी लेवल पे जैसे यूजी कोर्सेज, बीए, हम ऐसे BSc, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, और दूसरा लेवल जो है वो PG लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे LLB की बात कर सकते हैं, MA की बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं स्पेसिफिकली PG के बारे में बात करूंगा, PG का प्रोसेस, लेकिन UG का प्रोसेस भी कहीं ना कहीं आसपास ही है। तो जैसे कि हमने CUET का एग्जाम दे दिया, चाहे वो UG हो चाहे वो PG हो, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो बाद की बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सफर भी किया है इस पैटर्न चेंज के कारण, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमें सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, हमें रूल्स के साथ चलना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या, आपने एग्जाम दे दिया तो आगे का प्रोसेस क्या, यही इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों हमें एक प्रोविजनल आंसर की आउट होगी, प्रोविजनल आंसर की को हमें चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा। हो सकता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसे चैलेंज किया जा सकता है तो हो सकता है वो एक्सेप्ट हो जाए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा रिजल्ट आएगा। हमारे रिजल्ट में दोस्तों दो चीजें बताई जाएंगी, एक परसेंटाइल, उसमें परसेंटाइल बताया जाएगा, दूसरा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बताए जाएंगे कि हमारे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने फिजिक्स केमिस्ट्री का दिया तो फिजिक्स में इतने मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स आए हैं, या हमने लॉ का दिया तो वो हमारे मार्क्स बताएगा, लीगल स्टडीज में इतने मार्क्स आए। तो रिजल्ट आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, देखो ये पहली चीज जो हम सबको करनी है इस एग्जाम देने के बाद वो है रजिस्ट्रेशन। हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन होगी, हमें वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे BHU ने तो अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन कर भी दी है, तो आपको वहां जाके उनकी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है। ये प्रोसेस आपको हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर करना है। BHU में लेना चाहते हैं, BHU में आपको जाके रजिस्टर करना होगा। ऐसी और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपने अपने फॉर्म टाइम पे, जब आपने फॉर्म भरा था, एडमिशन फॉर्म भरा था, जितनी भी आपने कोर्सेज सेलेक्ट किए थे या फिर आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, उन यूनिवर्सिटीज का जाके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। और प्लीज डेट मिस मत करना। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अभी BHU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला हुआ है, तो अब अगर आपने BHU अप्लाई किया है या आगे लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आप जाके BHU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें। उसके आगे का प्रोसेस जरा हम इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पढ़ लेते हैं जो कि CUET PG का बुलेटिन है। इसका अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको लिंक इसका ऑफ कोर्स फॉर श्योर दे दूंगा। लेकिन एक बार जरा हम पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं कि अपना आगे एडमिशन प्रोसेस है क्या। सबसे पहले देखो, इन्होंने खुद लिखा है डिस्प्ले ऑफ आंसर कीज फॉर चैलेंज, वो जो मैं बात कर चुका हूँ कि प्रोविजनल आंसर की आएगी, आपको उसको चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा, उसकी ऑनलाइन पेमेंट होगी, यहाँ पे 200 रुपीज लिखी है पर क्वेश्चन। तो प्लीज फालतू में मत करना, ये चार्जेस इसीलिए चार्ज किए जाते हैं कि फालतू में बच्चे मत चैलेंज करें कि किसी भी क्वेश्चन को जाके चैलेंज कर दिया कि शायद मेरे इससे नंबर बढ़ जाए, मैंने गलत मार्क कर दिया इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा मत करना, कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ अपने पैसे ही वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको आंसर की आने के बाद आपकी यहाँ पे कुछ इन्होंने मार्किंग स्कीम बताई है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। तो आपका रिजल्ट आ गया, आपका आपने आपने चैलेंज भी कर दिया आपका, उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद यहाँ एक चीज देखना, स्कोर कार्ड विल कंटेन सेपरेट स्कोर फॉर Part 1 जो कि आपने जर्नल पेपर दिया, और Part 2 का सेपरेट स्कोर होगा जो कि डोमेन नॉलेज होगी। जो आपका रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, उसको वहां से लेके एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगी। The university can draw the merit list based on the total score or only on the score achieved in Part 2, the domain knowledge section. So, एक university merit list out करेगी आपका उस section में, उस course में कितना merit है, कितना rank है, वो university out करेगी। लेकिन उससे पहले आपने registration कर लिया होगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको registration करना है। ये registration करने के बाद merit list आएगी। So, यहाँ पे लिखा गया है कि evaluation of multiple choice question of all the test papers will be carried out
यूजिंग फाइनल आंसर कीज। फाइनल आंसर की आपका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर मल्टीपल पेपर्स रॉ मार्क्स ऑब्टेन फॉर द कैंडिडेट इन डिफरेंट शिफ्ट सेशन विल बी कन्वर्टेड टू एनटीए स्कोर। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया गया है कि री इवैल्यूएशन और री चेकिंग फॉर रिजल्ट। एक बार फाइनल आंसर की आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गई, उसके बाद कोई री चेकिंग या री इवैल्यूएशन नहीं होती। वो जो आपको चैलेंज करने का टाइम है वो पहले ही है, तो प्लीज उसी के अकॉर्डिंगली ही करना। अब एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो द सिलेक्शन एंड एडमिशन इज सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एडमिशन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी एंड ऑल दैट थिंग। एडमिशन आर हैंडल्ड एट द लेवल ऑफ सेंट्रल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। जो भी सेंटर की यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अपने मेरिट लिस्ट आउट करेंगी। मेरिट लिस्ट आउट करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा उस पर्टिकुलर चीज में, और अप्लाई करने के बाद आपकी एडमिशन होगी। आपको एक चीज का ख्याल रखना है दोस्तों कि जो आप कॉलेजेस की प्रेफरेंस भरेंगे या फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, कोर्सेज की प्रेफरेंस भरेंगे, बहुत सोच समझ के भरना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंगली, अपने प्रोफेशन के जो आप आगे चूज करना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंगली भरना। ऐसे ही अभी कुछ भी मत भर देना कि अभी मिल रही एडमिशन तो ले लो, ऐसा मत करना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही करना। थोड़ा सा हमें से रिकॉल कर लेते हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। सबसे पहली चीज हमें ये करना है कि हमारी जो प्रोविजनल आंसर की आएगी उसे अगर चैलेंज करना है तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो फाइनल आंसर की उसे ऐसे ही रहने दे। प्रोविजनल आंसर की को फाइनल आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आपको रजिस्टर करना है हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैं रजिस्टर कर दूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होगा तो आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपका एक रैंक आएगा। रैंक के अकॉर्डिंगली आपको एक प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी होगी कि इस कॉलेज में, इस कोर्स में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लॉ की बात कर लूँ तो मैं LC1 में एडमिशन लेना चाहता हूँ, LC2 में एडमिशन लेना चाहता हूँ, CLC में एडमिशन लेना चाहता हूँ। UG लेवल पे बात कर लूँ तो मैं SRC में एडमिशन लेना चाहता हूँ, हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मेरिंडा हाउस में एडमिशन लेता हूँ, एग्जाम्पल एक्सेट्रा। सो वो प्रेफरेंस भरनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन दी जाएगी। और एडमिशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे आपको पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे, जैसे भी वो बाद में कहेंगे। एडमिशन के बाद जब कॉलेज शुरू हो जाते हैं उसके बाद वो ऑफलाइन मांगते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ऑनलाइन ही रेडी करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आप अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बना दूंगा, प्लीज कमेंट में मुझे बता देना अगर आपको एक डॉक्यूमेंट की वीडियो चाहिए। तो अभी के लिए रिलैक्स करें और अपने रिजल्ट का वेट करें। अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई बात नहीं, बस रिलैक्स करें। और इस वीडियो को लेते ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं आपको आंसर करूंगा। या फिर अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें टू गैरी अमृत सरिया, और ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, KUNWAR_0808। मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, LLB में, और स्पेशली अगर आप LLB के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैं आप जरूर पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार।